अपना ध्यान दाएं पैर पर लेके जाए, शिथिल कर दे, शिथिल बाएं पैर पे लेके जाए, शिथिल कर दे। जननेन्द्रियां शिथिल, पेट शिथिल, चेस्ट रीजन, लंग्स हार्ट शिथिल, पूरी बैकबोन नीचे से ऊपर तक शिथिल। दाया हाथ शिथिल, बाया हाथ शिथिल, गर्दन गला शिथिल, ठुड्डी शिथिल, जबड़े शिथिल, नासिका शिथिल, दाहिनी आँख शिथिल, बाईं आँख शिथिल, दाहिना कान शिथिल, बाया कान शिथिल, सर शिथिल, पूरा सर शिथिल, पूरा ध्यान शरीर पर लेके जाए, पूरा शरीर शिथिल। अब कल्पना कीजिए आपके आगे थोड़ी दूरी पर 10-15 फीट महावीर भगवान सिद्ध अवस्था में विराजित हैं। साक्षात महावीर भगवान सिद्ध अवस्था में बिना शरीर के, शरीर नहीं है, देखें। प्रसन्न हुए उन्हें देख करके। तीनों लोगों के नाथ सामने बैठे हैं एकदम। एक ऐसी वस्तु जो अमूर्त है, उनमें कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई हलन चलन नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई तलवार उन्हें काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, मात्र ज्ञान है। देखें उनको, मात्र ज्ञान, पूरा विश्व झलकता है जिनके ज्ञान में, और अनंत शांति है, अनंत आनंद। ध्यान और आनंद,
ना वे कोई बालक है, ना जवान है, ना बुढ़े हैं, ना उन्हें कोई बुढ़ापा होने वाला है। उनको भूख नहीं लगती, भोजन नहीं करना होता, ना कोई प्यास लगती, कोई रोग नहीं होता, कोई रोग नहीं, ना कोई वात संबंधी, ना पित्त संबंधी, ना कफ संबंधी, क्योंकि शरीर ही नहीं है। उन्हें इस पूरी दुनिया में किसी भी परमाणु से कोई राग नहीं, उन्हें किसी का कोई सहारा भी नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति का, किसी परमाणु का, कोई बिल्डिंग, कोई घर, कोई मकान, कोई शहर, किसी की आवश्यकता नहीं। उन्हें कोई परिवार नहीं चाहिए, कोई माता पिता, भाई बहन, किसी की आवश्यकता नहीं। अपने में पूर्ण, अपने में पूर्ण सिद्ध प्रभु, अपने में पूर्ण जो परमानेंटली अपने में सेटल हो गए, देखिए सबसे सुंदर अवस्था आत्मा की इस पूरी दुनिया में ये सिद्ध अवस्था है, सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक, सबसे मनमोहक, जिनको दिन और रात में कोई अंतर नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं कब दिन आता है कब रात आती है, कोई मतलब नहीं कब सर्दी आती है कब गर्मी आती है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन्हें कोई राग नहीं, हर परिस्थिति में, हर दुनिया की हर अवस्था में, कैसी भी अवस्था दुनिया की हो जाए, मगर वो अपने में वैसे ही रहते हैं, शुद्ध ज्ञान और आनंद। देखें सिद्ध प्रभु को, जिन्हें कोई धन की आवश्यकता नहीं, कोई धन की आवश्यकता नहीं उन्हें, उनके पास केवल ज्ञान रूपी धन है,
अनंत सुख रूपी धन है। उन्हें कोई प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, कि कोई इच्छा नहीं कि मैं सिद्ध हूं तो लोग मेरी जय जयकार करें, मेरे को जाने, मेरे नाम की माला फेरे। दुनिया में कोई अनिष्ट होता है तो उनको कोई मन में दुख नहीं, मात्र जानते देखते रहते हैं। बिना किसी राग द्वेष के देखें, सिद्ध प्रभु को देखें, उनके आत्म प्रदेशों को देखें, नीचे से लेके ऊपर तक। जहां पैर होते हैं वहां पर उनके आत्म प्रदेशों को देखें, जहां पैरों का के फीट हैं वहां पर देखें क्या है अमूर्तिक आत्मा के प्रदेश, मात्र ज्ञान और आनंद और कुछ नहीं। फीट के ऊपर उनके ऊपर जाकर के उनके घुटनों और जंघाओं, शरीर तो है नहीं बट उस जगह पर ध्यान दे क्या है वहां पर, मात्र आत्म प्रदेश, ज्ञान और आनंद। उनके दूसरे पैर के फीट की जगह देखें क्या है आत्म प्रदेश और उनमें ज्ञान और आनंद। ऊपर देखें घुटने जंघा की जगह आत्म प्रदेश ज्ञान और आनंद। ऊपर पूरा धड़ देखें आत्म प्रदेश ज्ञान और आनंद। दोनों हाथों की ओर देखें, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, सब आत्म प्रदेश ज्ञान और आनंद। गर्दन गले की ओर देखें आत्म प्रदेश ज्ञान और आनंद। सर देखें, सर ज्ञान और आनंद। उन्हें पूरा का पूरा देखें, है क्या केवल ज्ञान और आनंद, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। इस दुनिया में सबसे सुंदर, अनुपम, जिसकी उपमा न की जा सके, अतुलनीय, अपने में पूर्ण आत्मा। अब अपने को देखें, अपने को, मैं भी एकदम वैसा, आत्म प्रदेश ज्ञान और आनंद, एकदम वैसा। ये शरीर ये पुद्गल का है, मेरा नहीं, इसकी ओनरशिप पुद्गल की है, उसी के नाम पर रजिस्ट्री हुई है इसकी। मैं इससे अलग और जो मेरे अंदर राग द्वेष और विचार है, ये भी सब पौद्गलिक
कर्मों के उदय से हुए हैं, इसलिए ये भी मेरे नहीं है। वो बदलते रहते हैं, मेरे नहीं है। जो मुझे वेदना होती है, कभी सुखद वेदना, दुखद वेदना, वो भी कर्म जनित, इन सब से रहित मेरा स्वरूप सिद्ध प्रभु जैसा। अपनी दृष्टि से ये शरीर को, अपने राग द्वेष को, विचारों को हटा दे, अपनी बुद्धि को हटा दे, केवल अपने को सिद्ध प्रभु जैसा देखे। मैं शिरीष नहीं, जो भी आपका नाम हो, मैं मनुष्य नहीं, पुरुष नहीं, बढ़िया नहीं, ब्राह्मण नहीं, जवान नहीं, वृद्ध नहीं, धनवान नहीं, गरीब नहीं, भूखा नहीं, पेट भरा हुआ भी नहीं, प्यासा नहीं, रोगी नहीं, निरोगी नहीं, भारतीय नहीं, अमेरिकन नहीं, हंड्रेड परसेंट सिद्ध शुद्ध आत्मा, अपने सामने महावीर भगवान सिद्ध अवस्थाएं बैठे हैं, उनको देखें। और अपन थोड़ी देर जाप करेंगे सोहम की, मन ही मन में बोलेंगे नहीं, सांस लेते हुए सो बोलेंगे, सांस लेते हुए सो, और जब श्वास छोड़ेंगे तो म, सांस लेते हुए सो को छोड़ते हुए हम, श्वास लेते हुए सो और छोड़ते हुए हम, श्वास लेते हुए महावीर भगवान को देखेंगे, सो और छोड़ते हुए हम, अपने को एकदम वैसा जैसा मैं वैसा महावीर भगवान, जैसे महावीर भगवान वैसा मैं, शुरू करते हैं।
अब श्वास जारी रहेगी, सो हम बोलते रहेंगे, मात्र अपने को महावीर देखेंगे, मैं महावीर हूँ, सिद्ध अवस्था में, और सो हम जाप चलती रहेगी और अपने को महावीर देखें सिद्ध अवस्था में। धीरे धीरे वापस आएंगे, गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। आंखें खोलेंगे।